जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। पीयूष बेटा, हाँ पापा, इधर आ। अरे बेटा, तेरे अंकल संवारे के यहाँ पपीता बहुत बढ़िया पका है, जा उसको तोड़ ला। नहीं पापा, नहीं जाऊंगा। अरे पूरा पका है पगले, जा तोड़ ला, दोनों बैठ के मजे में खाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा। अरे बेटा, कृष्ण भगवान का नाम सुना है? हाँ पापा, टीवी में देखा है। तो पड़ोसी के यहाँ मक्खन खाने के लिए चोरी करते थे, जा जा बेटा ले आ चुरा के। अरे पापा, इस भगवान को उनकी माँ मारती भी थी। अरे बेटा, पपीता जब तोड़ के लाएगा तो मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा। चॉकलेट? हाँ बेटा, मैं अभी तोड़ कर लाया। अरे पपीता महाराज, सत्यानाश, बोलता ही नहीं, बार बार बाथरूम जा रहा है। अरे बेटा पीयूष, क्या हुआ, तू बार बार बाथरूम जा रहा है? अरे पापा, पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, लगता है जान ही निकल जाएगी। हाँ बेटा, ज्यादा दस्त हो रहा है। हाँ। Oh, no. मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ अभी। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी, मोहन बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आ जाइए। मोहन बाबू, अभी तो नहीं आ पाऊंगा, अभी क्लिनिक में बहुत सारे मरीज हैं, एक घंटे बाद आ जाऊंगा। और बच्चे को मिर्च, काली मिर्च। अरे डॉक्टर साहब, जहर बता रहे हो कि दवा बता रहे हो? अरे आप समझे नहीं, ये गर्म चीजें हैं, इनको मत देना बच्चे को, नहीं तो बच्चे की तबीयत और खराब हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। अरे पापा, जान निकल जाएगी। अरे बेटा, मैं दवाई लेके आता हूँ। अरे संवारे भैया, क्या बताएं, बार बार इसको दस्त हो रही है और पेट में दर्द है, ले बेटा पी ले। अरे मोहन, ये जरूर उल्टा सीधा खाना खाया होगा। उल्टा सीधा नहीं, दाल चावल खाया था। अरे पापा क्यों झूठ बोल रहे हो, पपीता खाया था। Oh, no. ए, तू चुप कर। अरे मोहन, कितना प्यारा बच्चा है, तुम इसे डांट रहे हो? मोहन, बाजार का सड़ा गला पपीता खिलाया होगा तभी बच्चे की ऐसी हालत है। अरे अंकल, आपके पेड़ से ही तोड़कर खाया था। मेरे पेड़ से? मतलब मेरे पेड़ से पपीता चुराया? मैंने नहीं चुराया अंकल, पापा ने कहा जाओ तोड़ लाओ। ए, 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 मैंने कब कहा कि तू तोड़ा? अब सारी बीमारी की जड़ समझ में आई, मेरे पेड़ का सारा पपीता बीमार हो गया है, रोग लग गई है, खाने लायक नहीं है। मोहन, पपीता चोरी करवा करके अंजाम देख लिया ना? एक बात समझ में नहीं आती है, तुम जैसे लोग ऐसी हरकत क्यों करते हो? 10-20 रुपए का पपीता बाजार से ले आओ, चोरी करने की क्या जरूरत है? ऐसे छोटे बच्चे को अभी चोरी सिखाओगे, आगे चल के डाकू बनेगा। अरे भैया,
बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती को क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं मोहन भैया, बच्चे का ध्यान रखिए। मेरा मुन्ना जब जवां हो जाएगा। अरे मेरे मुन्नू, मेरा पुल्लू, मेरा बच्चा, मेरा मुन्नू।